जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सारे सिद्धांतों का सार है सतत नाम जप, सब का सार है निरंतर नाम जप। और कोई साधन बने तो ठीक है, न बने तो आवश्यक नहीं है। एकमात्र नाम जप से ही सब काम बन जाएगा। नाम जप करोगे तो गुरु सेवा हो जाएगी, नाम जप करोगे तो इष्ट की अष्टायाम सेवा हो जाएगी, नाम जप करोगे तो जहां आप सोच भी नहीं सकते हो उस प्रेम देश में आपका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए सबका सार है नाम जप। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों की नाम जप में रुचि नहीं रह गई। देख लो, हम सब निरंतर नाम से अलग होते चले जा रहे हैं और बाहरी व्यवहारिक प्रपंच में ही समय नष्ट कर रहे हैं। नाम सुमिरन में कहाँ हमारा चित्त लग रहा है। अतः भाव बने या ना बने, श्रद्धा बने या ना बने, इसकी परवाह मत करो। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम अपने आप श्रद्धा प्रकट कर देगा, अपने आप भाव दृढ़ कर देगा। नाम जब से सब बात बन जाएगी, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, हृदय में अपार सामर्थ्य आ जाएगी। पर हमारा दुर्भाग्य है कि नाम जप में हमारी रुचि नहीं हो पा रही है। नाम जप में हमें विश्वास नहीं हो रहा है। यदि नाम में दृढ़ विश्वास हो जाए तो सब बात बन जाएगी। ये सब बाहरी बातें हैं कि कोई हमारे ऊपर हाथ रख दे, हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारा काम बन जाए। इन बातों में मत फंसो। हाँ, थोड़ी पवित्रता हृदय में आने की संभावना है यदि आप ठीक मार्ग से चलेंगे तो। यदि आप यह सोचें कि संतों के चरण माथे पर रख लें, उनके हाथ अपने माथे पर रखवा लें और कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में मनमाना आचरण करते रहें, तो यह बात भी समझ लीजिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, न कुछ मिलने वाला है। जो सबका विधान करने वाला ईश्वर है, वह हृदय में बैठकर प्रतिपल देख रहा है। यदि आप भजन के लिए ऐसी आकांक्षा करते हैं तो हाथ रखवाने की जरूरत ही नहीं है, संतों का आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा। ये जो हमारे आचार्य जन हैं, गुरु जन हैं अथवा अव्यक्त महापुरुष जन हैं, ये अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए अभी भी यहीं इसी धाम में विराजमान हैं। अंदर से जब कोई भजन करने की विकलता धारण करता है तो वे उसे सहयोग करते हैं, उसे असत क्रियाओं से बचाते हैं, उसके हृदय में सन्मार्ग की प्रेरणा कर देते हैं। यह जो हमारे हृदय में नाम जप की बात आ रही है, धामवास की बात आ रही है, प्रियालाल को रिझाने की बात आ रही है, ये उनके आशीर्वाद से ही आ रही है। हम इस बात को अपने हृदय में बैठा लें कि हर संप्रदाय, हर साधना, हर उपासना में इसी नाम की जय देखी जाती है। जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक इस माया पर विजय प्राप्त नहीं होगी। और यदि नाम जप हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, वह नाम अपने प्रभाव से समस्त वासनाओं को नष्ट कर देगा। आप निरंतर नाम जप में लगे रहिए। जब नाम का प्रभाव हृदय में उदय होगा तो आपको ऐसा बल और ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप माया में फंसेंगे ही नहीं। अतः आप एक एक क्षण नाम में लगावें, यही सब शास्त्रों सिद्धांतों की सार बात है। यदि नाम जप से अगर चूके तो समझ लो कि अन्य कोई व्यवहार भले ही भागवतिक हो रहा हो, लेकिन वह आपके अंतःकरण की वासनाओं का नाश नहीं कर सकता। यदि आंतरिक चिंतन प्रिया प्रियतम का हो रहा है, नाम जप हो रहा है, तो भले ही आप व्यवहार के कार्य में हों, बात बन गई। यहाँ बात आंतरिक चिंतन की है। भक्ति का जो बाहरी स्वरूप है उसका फल है हमारी आंतरिक वृत्ति का श्री प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाना। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि बाहरी क्रियाएं भागवतिक हो रही हैं लेकिन अंदर का चिंतन दूषित है, तो चाहे 100 वर्ष व्यतीत कर लो, परिणाम यही होगा कि अंदर वाला चिंतन अपना प्रभाव दिखा करके बाहर के प्रभाव को रौंद देगा। अंदर जो चिंतन होता है
वही बाहर प्रभाव डालता है। ध्यान रखना, यदि अंदर चिंतन विषय का हो रहा है तो बाहर भक्ति का स्वरूप धारण करने पर भी असत आचरण हो ही जाएंगे, और यदि अंदर का चिंतन और बाहर की क्रियाएं ये दोनों भागवतिक हो रही हैं तो क्या कहना, महामोद हृदय में छा जाएगा। जिसका चिंतन भागवतिक होता है उससे अधर्म अनाचार दुराचार हो ही नहीं सकता। अतः हर क्षण अपने हृदय के चिंतन को सुधारने की चेष्टा करनी है और हमें निरंतर नाम जप में लगे रहना है। बार बार इसलिए यह बात कहनी पड़ रही है क्योंकि यही सार बात है, लेकिन इसी में हमारा मन नहीं लग रहा है। हम लोग अन्य सब व्यवहारों को तो सांगोपांग करने की चेष्टा करते हैं लेकिन नाम जप नहीं करते। हमें सतत नाम जप करने की आवश्यकता है क्योंकि जितना नाम जप करेंगे उतना ही हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा। नाम में ऐसी महत्व बुद्धि रखनी चाहिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति धन राशि मिल जाने पर हर समय उसी की सुरक्षा में लगा रहता है। हमारा नाम जप नष्ट न होने पावे इसलिए हमसे कोई वैष्णव अपराध न हो जाए, इस बात पर सदैव सावधान रहना है। हमारा नाम जप कहीं रुक न जाए इसलिए हमें कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करने हैं। हमारा नाम जप कहीं छूट न जाए इसलिए हमें किसी से व्यवहारिक प्रपंच की वार्ता नहीं करनी है। वृंदावन धाम का वास, रसिकों संतों का संग, आह कितना बढ़िया सौभाग्य हमें मिला है। अब समेट लो अपने आप को, बहुत कम समय रह गया है। अगर व्यवहार में समय व्यतीत हो गया तो हाथ लगने वाला कुछ नहीं। बड़े से बड़े शुभ कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह हमें प्रभु की प्राप्ति करा दे। प्रभु की प्राप्ति कराने में एकमात्र नाम ही सर्व समर्थ है। श्री भाई जी महाराज ने पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी को पत्र में लिखा, मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा का पालन करूँ, पर सामने राधा माधव खड़े हो जाते हैं, अब और कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्या लिखूँ कैसे लिखूँ। तब उन्होंने कहा, यह उन्हीं का कार्य है, वे अपने आप करवा लेंगे, आप चिंतित मत होवें। देखो ऐसी भी स्थिति आती है कि वे राधा माधव चित्त को हटा करके व्यवहार का कार्य कराना चाहते हैं। वे राधा माधव से चित्त को हटा करके व्यवहार का कार्य करना चाहते हैं लेकिन राधा माधव हट ही नहीं रहे हैं। यही है नाम का प्रताप। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सारे सिद्धांतों का सार है सतत नाम जप, सबका सार है निरंतर नाम जप।